जिससे कुछ भी हो सकता है, इसकी जान भी जा सकती थी, जिससे कुछ भी हो सकता है, इसकी जान भी जा सकती थी। सिस्टर का नाम कवल है और जिले देवाल गांव के रहने वाले हैं। और जे सिस्टर की गवाही जे जे बता रही कि 3 महीने हो गए थे इसको बहुत बुखार रहता था, और साथ में जे बता रही कि इसको खांसी की भी प्रॉब्लम थी। इसने बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा ली पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और डॉक्टर ने कहा था कि हो सकता आपको टीवी की प्रॉब्लम या कैंसर भी हो सकती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा खांसी है, इतनी मेडिसिन भी दे दी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और जैसे इसने बताया कि इसने टेस्ट करवाए, और इसके टेस्ट करवाने के बाद पता चला कि जो इसकी ब्रेस्ट में इन्फेक्शन है, और डॉक्टर ने बताया था कि जो ब्रेस्ट में इन्फेक्शन होनी चाहिए सिर्फ 20 होनी चाहिए 20%, पर जैसे इसने टेस्ट करवाए उसमें 80% से। पहले हम उस रिपोर्ट को देखेंगे, और इस रिपोर्ट में जो डॉक्टर ने कहा था टीवी होगी कैंसर वो तो कुछ नहीं आया, पर जो सिर्फ इसकी ब्रेस्ट में इन्फेक्शन थी और वो 80% आई थी, और जिसके कारण इसका बुखार और जो इसकी खांसी की प्रॉब्लम अच्छी नहीं थी हो रही, और इसने बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी खा रही और जी काफ़ी परेशान थी। पर जैसे जी लगातार संडे की मीटिंग अटेंड कर रही थी, और जिस सिस्टर ने बताया कि इसके मन में था कि जैसे मैं पर्सनल मीटिंग करूँगी प्रभु के दास के साथ, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरी जी प्रॉब्लम अच्छी हो जाएगी। और जिस सिस्टर ने ऐसे कुछ दिन पहले मंडे की मीटिंग में आई, और जैसे इसने पर्सनल मीटिंग की और प्रभु के दास के द्वारा इसको उत्साहित किया गया और इसके लिए ले प्रार्थना हुई। अभी हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। ब्रेस्ट के अंदर इस बीमारी को डाला है, चल उखड़ गंदी आत्मा, निकल इसकी बॉडी से, इसकी ब्रेस्ट से शैतान शट, जो खुदा ने तुझ पर अधिकार दिया चल उस अधिकार के साथ, मैं तुझे डांट दूं यीशु के नाम से। गंदी आत्मा इसकी ब्रेस्ट से निकल, बीमारी देने वाली आत्मा आउट, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील बता रहे कि जैसे इसके लिए लैंड हुई अभी 3 हफ्ते हुए, तो जैसे इसने बाद में टेस्ट करवाया तो पहले 80% थी, अभी उसमें से सिर्फ 25% ही रह गई है, जो कि 20% चाहिए थे अभी सिर्फ 5% है। पर डॉक्टर ने बताया कि ये बहुत ही बड़ी बात है कि इतनी जल्दी कम हो जानी, नहीं तो बहुत खतरा था, क्योंकि जो इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन हो गई थी कोई भी प्रॉब्लम शुरू हो सकती थी, और परमेश्वर की सामर्थ्य उस ग्रेथ के साथ 55% इसकी जो इन्फेक्शन वो कम हो गई, सिर्फ 5% ही रह गई है। और परमेश्वर ने पूरी तरह से जो बहुत ज़्यादा इसको बुखार रहता था अभी बिल्कुल बुखार से भी जो फ्री है, और जो इसके बॉडी में दर्द रहती थी वीकनेस थी उससे भी बिल्कुल अच्छी है। और डॉक्टर ने बताया कि जो 5% है उसका कोई भी डर नहीं है, आप बिल्कुल अच्छे हो। और इस गवाही के लिए जी धन्यवाद करते हैं कि जो परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से इसको फ्री किया। मेरे ये सूची दे दो दीदी क्या बात है, वो देखे बीमारियां देखी आबाद है, वो देखे बीमारियां देखी आबाद है। क्या नाम है बेटा तेरा? क्या नाम है? कवल। हाँ कवल, ये प्रॉब्लम कितने समय पहले तुझे आई थी? दो तीन महीने पहले ये प्रॉब्लम हुई थी। आपने सुना गवाही को? अच्छे से सुना ना? अरे डॉक्टर बोल रहा था कि जो हर बंदे को जो इन्फेक्शन होती है उसकी जो स्टेज है वो 20% तक होती है। आम लोगों को, ज्यादातर लोगों को 10, 12, 15, ज्यादातर उसकी जो स्टेज है 20 तक है, पर इसकी स्टेज कितनी बढ़ गई बोलो? कितनी? 80, 80, अरे 80 पॉइंट तक, जिससे कुछ भी हो सकता है, इसकी जान भी जा सकती थी। कई बीमारियां उसके इन्फेक्शन के कारण इसकी बॉडी में कई रोग पैदा हो सकते थे, बोलो क्या थे? उस 80% इन्फेक्शन, क्योंकि डॉक्टर ने कहा आम 20 होती है, 10, 12, 15 और 20 होती है, पर इसकी 80 चलेगी, जिसके कारण डॉक्टर ने कहा कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है?
कुछ भी हो सकता है। कुछ का मतलब समझते हो, कई रोग इसके बॉडी में आ सकते हैं, पैदा हो सकते थे, इसकी जान भी जा सकती, इसकी सांस कुछ भी हो सकता था, पर ये एक बड़ा काम किसने किया? पर ये कैसे हुआ? सुनो, परमेश्वर ने ये बड़ा काम किया, पर कैसे हुआ? आज अपने पड़ोसी को बोलो कैसे हुआ, तू भी सुन। हाँ, तू भी सुन कैसे हुआ। सुनो, इसके अंदर विश्वास था कि जो हम मंडे पर्सनल मीटिंग करते हैं, बोलो क्या करते हैं, जो मंडे हम पर्सनल मीटिंग करते हैं सोमवार, अरे ये इनका गांव दूर है, ये यहीं पर रुक के चर्च में रुक गए कि मैंने मंडे की मीटिंग को क्या करना है, रुक के जाना है। हम थर्सडे ले हैंड कर रहे थे, कुछ लोग ले हैंड के लिए आए, जैसे ले हैंड हुई अभी लोगों पर हो रही थी, मुझे टीम बच्चे बता रहे थे, एक सिस्टर बोल रही थी कि ले हैंड होगी दीदी हम चले जाएं। अरे कहां से वो काम लेंगे खुदा से, कह रहे हमारी ले हैंड होगी हम चले जाएं। ऐसे भी लोग हैं, पर ऐसे लोगों के जीवन में नहीं, खुदावंद इस ऐसे लोगों के और इस मन से वो काम करता है जो कर्म करते हैं, खाली विश्वास नहीं करते, कर्म भी किया। अरे ये चर्च में रुकी, रात रुकी कि मैंने कल को, क्योंकि गांव दूर है, बोलो चर्च रुकी कि कल की मीटिंग मैंने अटेंड करके मंडी की मैंने फिर जाना है। अगर जब ऐसा विश्वास बनेंगे तो खुदावंद अन्यायी परमेश्वर नहीं है कि वो काम ना करे। बोलो क्या है, अरे मैंने ले हैंड तो की, पर इसके मन से उसने उसी समय कर दिया था। इसके मन से जो इसने मन बना लिया था ना, आज लोगों के पास टाइम नहीं है। आज हर बंदा चाहता है कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करे, मुझे डिलीवर करे, मेरा ये काम करे, पर वो कभी अपने आप को चेक नहीं करते, कभी वो देखते नहीं है कि मैं चाहती हूं, मैं चाहता हूं, मैं किस मन से आ रही हूं, मैं किस टाइम से आ रही हूं, हाँ मेरा आने का समय क्या है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग संकरा है, बोलो क्या है, सब इसे पार नहीं करते, पर उसने ये भी कहा है कि जो मेरी आज्ञाएं हैं वो कठिन नहीं है, औखा कुछ नहीं है, बोलो क्या है, औखा कुछ नहीं है। पर बात ये है कि जो लोग विश्वास से करते, आमीन, इसने विश्वास से वो कर्म किया, इसलिए खुदा के रूह ने, उसके आत्मा ने इसे छुआ। बोलो क्या है, इसके रूह, उस खुदा के रूह ने, उस आत्मा ने इसे छुआ। अरे ये नॉर्मल गवाही नहीं है, लोग समझेंगे इन्फेक्शन है, अरे ये ऐसी इन्फेक्शन है जो बहुत सारी बीमारियों को पैदा कर सकती थी, इसकी इसकी डेथ हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। समझ आ रही है? अब लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं, परमेश्वर काम करता है, पर किस मन से करता है, किस विश्वास से करता है। कितनों को समझ आ रही है? अगर आप ऐसा विश्वास करते हो तो खुदावंद, अगर किसी के जीवन में ऐसी कोई प्रॉब्लम है, उस गवाही को ग्रहण करो। मैं घोषणा करता हूं आप भी फ्री हो। मैंने कहा अभी फ्री हो, यीशु मसीह के नाम से आप भी चंगे हो। तारीफ करो अपने दोनों हाथों को उठाकर, जोर से जोर से जोर से। मैंने कहा जोर से तारीफ करो, जोर से। जा चली जा बीमारी ए शरीर यीशु दा, जा चली जा बीमारी ए शरीर यीशु दा, ए शरीर यीशु दा, ए शरीर यीशु दा। आमीन, हालेलुया। करते हो विश्वास? हाँ, किस मन से वो खुदावंद काम करता है। लोगों के पास टाइम नहीं है। बोलो क्या है, यीशु मसीह ने एक भीड़ के साथ 3 दिन गुजारे। क्यों गुजारे? क्योंकि उन्हें वो समझा रहा था, बता रहा था किस मन से है। क्योंकि लोगों का मन एक जगह तो टिकता नहीं है, लोगों का मन टिकता नहीं है। इसे लिखा धन्य है जो किस पर भरोसा रखते हैं। बोलो क्या है, धन्य है जो लोग किस पर भरोसा रखते हैं। और इस गवाही को विश्वास से लेना, क्योंकि मेरा विश्वास है आज खुदावंद आज ज्यादा कुछ आपको सिखाने वाला है।